इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज 10वीं इम्तिहान के नतीजों का ऐलान किया गया, जिसमें 99% से भी ज्यादा तलबाओं ने कामयाबी हासिल की है। तकरीबन 157 बच्चों ने 625 में से 625 मार्क्स हासिल किए। 625 में से 623 मार्क हासिल करने वाले 450 रहे और 625 में से 620 नंबर हासिल करने वाले 28 तलबा रहे। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए बेलगाम समेत दिगर सरहदी जिलों में फिर वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है, ऐसा मैसूर में कोरोना की रोकथाम को लेकर वजीर आला बसवराज बोम्मई ने मुनक्किद मीटिंग में ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों की तादाद सरहदी इलाकों में और पड़ोसी रियासतों में बढ़ रही, इंतजामिया और सेहत महकमा को चौकन्ना रहना होगा, लिहाजा रात का कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू इसका इलाज हो सकता है, जायजा लिया जाएगा और फिर फैसला लिया जाएगा। इसी के मद्देनजर आने वाले शनिचर इतवार को भी जायजे के बाद बेलगाम समेत 8 जिलों में बंद करने पर फैसला लिया जाएगा। आज किसानों की जानिब से मरकजी हुकूमत के बिजली निजीकरण को लेकर एहतजाज दर्ज किया गया। मरकजी और रियासती भाजपा हुकूमत किसान मुखालिफ कानूनों को मंजूर कर सरमाएदारों की गुलामी में मुब्तला है। किसानों की मुश्किलों में और इजाफा करते हुए फिर से बिजली का निजीकरण करने का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया। मुल्क का किसान अन्नदाता होने के बावजूद भी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। कर्नाटक रैत संघ इसकी पुरजोर मजम्मत करता है। मरकजी रियासती हुकूमतों के मनमानी फैसलों की मुखालिफत भी करता है, ऐसा कहा गया। कर्नाटक रैत संघ के कारकुनान ने चन्नम्मा सर्कल से होते हुए डीसी दफ्तर तक एहतजाज दर्ज किया। किसानों ने दिल्ली में पिछले 9 महीनों से अपने हक के लिए आवाज उठाई है, पर अमीरों की हुकूमत ने बजाय काले कानूनों को रद्द करने के बिजली का भी निजीकरण करने का फैसला लिया है। इस वक्त कसीर तादाद में कर्नाटक रैत संघ के जिम्मेदारान मौजूद थे। आज बेलगाम जिले में कोरोना मरीजों की तादाद 29 रही तो डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 90 रही। इस साल भी मुहर्रम के जुलूस को हुकूमत की जानिब से कोरोना के मद्देनजर इजाजत नहीं दी जाएगी, लिहाजा तमाम मुस्लिम समाज को कोरोना गाइडलाइन के तहत अमल करना होगा। लिहाजा पंजा ताबूत वगैरह घरों में या मस्जिद दरगाह इहाते में बिठा सकते हैं, ऐसा मार्केट पुलिस थाने के CPI मल्लिकार्जुन उलचिगेरी और PSI विट्टल हनूर के जेर निगरानी मीटिंग तलब फरमाई गई थी, उसमें कहा गया, जिसमें शहर के अहम मुस्लिम जमातों के जिम्मेदारान को मदऊ किया गया था। आज बेलगाम डीसी दफ्तर के सामने आंगनवाड़ी नौकर संघ की जानिब से एहतजाज किया गया। इनकी मांग थी कि स्कूलों में अक्षरदासों, आंगनवाड़ी या फिर पंचायत में काम करने वालों को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर इन्हें माजूल किया जा रहा है। पिछले 40 सालों से जो खवातीन इसमें काम को अंजाम दे रही हैं, इन्हें भी अगर निकाल दिया जाए तो ये मजबूर औरतें जाएंगे कहाँ, ऐसा सवाल भी किया गया। निजीकरण से महज अडानी अंबानी का ही फायदा होगा, लिहाजा गरीबों की मुखालिफ हुकूमत से गुजारिश है कि निजीकरण के फैसले की मुखालिफत करते हैं, ऐसा कहा गया। इस वक्त कसीर तादाद में खवातीन जमा थी। आज हम CIT ऑफिस है, आज हम मोर्चा कर रहे हैं। क्यों बोले तो आज अखिल भारत मोर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि जो अक्षरदासों में काम करते हैं, आंगनवाड़ी में काम करते हैं, पंचायत के सिपाही काम करते हैं, उन लोगों को ये लोग खासगीकरण करके हमको निकाल देने का ये कर रहे हैं। उनके अकाउंट पर अमाउंट डालते बोल के हमको धमकी दे रहे हैं। तो हम 40 साल से काम करते आए हैं, तो आज हमको निकाले तो हम जाने का किधर। हाँ, और जो अक्षरदासों बोल के स्कूल में जो काम करते हैं, वो लोगों को गटर साफ करने को बोलते हैं, टॉयलेट साफ करने को बोलते हैं, रेशन देने को बोलते हैं। हाँ, फिर उनका 6 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं आया। उनको पेमेंट कितना देते हैं? 2700 रुपये। 2700 रुपये इनका एक कप चाय का अमाउंट नहीं होता। हाँ, तो ये लोग हमको महीने में 2700 रुपये देते हैं, तो उनमें 6 महीने से पगार नहीं होना, तो ये लोग खाएंगे क्या और रहेंगे कैसे? ये हमारा गवर्नमेंट को क्वेश्चन है। तो हम क्या बोलते हैं, वो जितना जल्दी होता है इनका पेमेंट जमा करना, और जो लोग खासगीकरण करने के लिए अदानी अंबानी जैसे लोगों को उठा के बिठा रहे और जो काम कर रहे हैं ना उनको नीचे दबा रहे, तो ये हमको विरोध है, इसलिए हम आज मोर्चा निकाले से हैं।
आज कांग्रेस भवन में प्रदीप एमजे को जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के ओहदे पर फाइज किया गया, जिसे लेकर एक इजलास मुनक्कद किया गया था। कई लोगों ने प्रदीप एमजे को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बुजुर्ग कई सतीश जारकवाड़ी ने इन्हें इस ओहदे पर बिठाया, जिसका वो तहदिल से शुक्रिया अदा करते हुए खिदमात को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। जो कांग्रेस पक्ष मेरे को जो अधिकार दिया है, मैं पहले से ही कांग्रेस पक्ष में था। 15 साल से मैं पक्ष के लिए काम कर रहा था। अभी मेरे को सतीश ने अच्छा काम देख के जनरल सेक्रेटरी बनाए, इसके लिए मैं कांग्रेस पक्ष के लिए बहुत काम करूँगा करके आपको सबसे बोल। हमारा मित्र श्री प्रदीप एमजे, जिन्होंने 15 साल से कांग्रेस पक्ष के लिए अपना जो अनुदान दिया था और जो काम करके योगदान दिया था, वो नज़र में रखते हुए सन्मान्य श्री सतीश जारकवाड़ी कार्याध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, उनका जो काम देके उन्होंने श्री प्रदीप एमजे को जिला कांग्रेस का प्रधान का कार्यदर्शी करके उनको नियमित किया है। उस कार्यक्रम के आज उनको वो जो सर्टिफिकेट वितरण था वो कार्यक्रम था, इसके लिए हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता आज बहुसंख्या में आके प्रदीप एमजे और हमारे साहब सतीश जारकवाड़ी उनके नेतृत्व में उनको पक्ष संगठन करने के एक जो जोश है वो सब युवा पीढ़ी में रहने दो करके ऐसा आज का कार्यक्रम हो रहा है। जकरिया मस्जिद आजम नगर में आज वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। इस वक्त आजम नगर और अतराफ के लोगों ने इसका फायदा उठाया। जकरिया मस्जिद के जिम्मेदार ने इसकी पहल की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं अकबर भगवान जकरिया मस्जिद मुतवल्ली। यहाँ पे जकरिया मस्जिद से कोविशील्ड वैक्सीन 200 का इंतमाम किया गया है। सारे मज़हब के लोग आके अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये लोगों में बेदारी आ गई है, इससे लोगों का फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। बेलगावी जकरिया मस्जिद वतियिंद कोविड वैक्सीन सलुवागि नावु कमिटियवरु ಇದುಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 700 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೂರನೇ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. अहम खबरों के बाद अहम मौजू की तरफ एक नज़र। आखिर टोक्यो ओलंपिक का अख्तितामी इजलास भी बड़े जोर शोर से अमल में है। अगला ओलंपिक पेरिस में होने का ऐलान भी किया गया। खैर, इस पस मंजर में भारत ने क्या खोया क्या पाया, इसका तस्करा भी जरूरी है। भारत को कुल 7 मेडल हासिल हुए, जिसमें अहम नीरज चोपड़ा का, जिसने भाला फेंकने में गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत में भगवा ब्रिगेड का काम ही यही रहता है कि हर मामले को किसी तरह धर्म जात पात में तकसीम करना, हिंदू मुस्लिम रंग देना। भगवा ब्रिगेड आईटी सेल इन्हें इसी कामों के लिए मुंतखब किया गया और इसके पीछे हुकूमत की भी हिमायत हासिल रहती है। अब जब चुनाव नजदीक है तो किसी न किसी तरीके से मजहबी रंग देकर मामले को दूसरी दिशा देने का काम पिछले कई सालों से जारी है। पिछले 7 सालों में भगवा ब्रिगेड की हर हरकत को सरकारी कामों के तौर पर देखा जा रहा है। अभी जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है तो इसकी वजह मोदी तक को कहा गया, यानी कि मोदी है इसलिए जीत गए, जैसे मोदी ने ही भाला फेंका हो। यह और बात है कि दुनिया के सबसे तेज फेंकने वालों में प्रधानमंत्री का नाम आता है, पर जब नीरज चोपड़ा का कोच मुस्लिम अहमद होने की बात कही तो हवा निकल गई। कुछ लोगों ने तो इसे सोशल मीडिया पर इस तरह भी कहा कि अब्दुल महज टायर पंचर ही नहीं करता। खैर, भारत ने 7 मेडल जीते हैं और यकीनी तौर पर यह कामयाबी नुमाया ही कह सकते हैं, पर इसका दूसरा पहलू भी कुछ कहता है। 140 करोड़ की आबादी में महज 7 मेडल और 1 गोल्ड मेडल हासिल करना क्या इशारा देता है। वही भारत में एक नई रस्म यहाँ भी पनप रही है कि अगर मोदी ने यह नहीं किया तो पहले वाली हुकूमत ने क्या किया या वो क्या कर रहे थे, यानी आगे इस बार 7 मेडल जीते हैं तो क्या कांग्रेस के दौर में ऐसी जीत दर्ज की गई थी, यानी हर बात को पहले वाले दौर से मुआवजना करने की आदत कही है, या फिर यह भी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह के बहाने तलाशना।
ऐसा नहीं कि भारत ने इससे पहले मेडल नहीं जीते हैं हॉकी में, तो 3-4 बार गोल्ड जीत कर लौटे हैं। मनमोहन सिंह के दौर में भी अभिनव बिंद्रा ने चीन से सोना जीत कर लौटे थे, इंग्लैंड से 7 तो नहीं पर 6 मेडल जरूर जीत कर लौटे थे। खैर, लेकिन अब जब नीरज चोपड़ा जीते हैं तो ऐसा पेश किया जा रहा है कि जब नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहे थे तो भाला हवा में तैरते हुए सबसे आगे जाकर गिरा, क्योंकि इसे गैबी पर मोदी जी ने लगा दिए थे जो सबसे आगे जाकर गिरा। अब इस जीत पर जिस तरह प्रधानमंत्री क्रेडिट हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम यूजर्स ने अपने अपनी राय पेश करने की कोशिश की है। विनेश फोगट ने कहा कि कोई खिलाड़ी खेल की शुरुआत करता है तब उसे आपसे यानी हुकूमतों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और जब वही खिलाड़ी अपनी इतने सालों की मेहनत से देश के लिए मेडल जीत कर लौटता है तब भी आप उसे सपोर्ट नहीं करते, ऐसी कौन सी पॉलिसी है साहब, इस तरह से उन्होंने कहा है, जहां भुगतान सिर्फ एक ही खिलाड़ी को करना पड़ता है। इसी तरह बजरंग पुनिया ने अपना दर्द बयान करते हुए ट्विटर पर कहा कि जब जीत जाते हैं तो आप गर्व होने की बात करते हैं, अपनी बात पर कायम रहने का मशवरा भी बजरंग पुनिया ने दिया। कांग्रेस के राहुल गांधी ने मोदी के खिलाड़ियों को की वीडियो कॉल पर तंज करते हुए कहा कि महज कॉल कर बधाई ही दी जाएगी या इनका हक भी अदा किया जाएगा। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि मोदी सरकार ने खिलाड़ियों को मंजूर रकम में भी कटौती की है। अब जब कुछ खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है तो सभी ऐसे देशभक्ति का इजहार कर रहे हैं जैसे इन्हीं की हिमायत से यह सब कुछ हासिल हुआ है, जबकि भारत में खिलाड़ियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और यह सच्चाई है जो मुल्क की आन बान शान के लिए ओलंपिक में जान लगाकर अपना हुनर दिखाना चाहते हैं इन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम किया जाता है, और क्रिकेट पर खरबों रुपया खर्च किया जाता है, आईपीएल पर अरबों रुपया लुटाया दिया जाता है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट से नफरत की जाए, लेकिन आज जब कुछ मेडल जीतने के बाद खिलाड़ियों से मोहब्बत बेइंतहा छलकने लगी है तो जिस तरह क्रिकेट खिलाड़ियों पर अरबों रुपये दिए जाते हैं इन पर क्यों नहीं? अगर वाकई इन खिलाड़ियों के हौसलों को बढ़ाना था तो मोदी हुकूमत ने क्यों 230 करोड़ रुपए इमदाद को काट दिया, क्यों कम किया? कहने का मतलब, एक तरफ खुद देश की हुकूमत को ही खिलाड़ियों से उम्मीद नहीं है तभी तो इन खिलाड़ियों के बारे में कभी संजीदगी से तवज्जो नहीं दी जाती। वैसे जीतने के बाद बहुत कुछ इनामात एजाजात से नवाजने का सिलसिला इसलिए भी जारी रहता है ताकि इससे सियासी मुफाद भी हासिल कर सके। बजरंग पुनिया ने ट्वीट के जरिए से इस बात को भी वाजा करते हुए लिखा है कि जब खिलाड़ियों को आप इनामात के वायदे करते हैं तब उन खिलाड़ियों को आपने पैसे का लालच नहीं बल्कि खिलाड़ियों का साथ देने का वादा करते हैं। अगर आप अपने किए वायदे को पूरा नहीं कर सकते तो आप फिर मुस्तकबिल में कोई भी खिलाड़ी आपसे किस बात की उम्मीद रख सकता है? और यह दर्द पहली मर्तबा खिलाड़ियों ने जाहिर नहीं किया, इससे पहले भी हमने देखा है कि खिलाड़ियों को आखिर में मेडल बेचने की नौबत आती है। खैर, अब तो करोड़ों के इनाम दिए जा रहे हैं। झारखंड की गीता कुमारी जिसने 6 गोल्ड मेडल जीते थे आखिरकार इसे सड़क पर बैठकर सब्जी बेचनी पड़ रही है, जिसने मजबूरी में गोल्ड मेडल बेच दिए। इसी तरह 2011 ओलंपिक में 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली सीता साहू आज पानीपुरी पापड़ी चाट बेचने पर मजबूर हो गई है, जो महज दिन में 150 रुपये कमाती। दरअसल आज 130 करोड़ के इस मुल्क के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए कि जब जीत कराते हैं तो इन पर तारीफों के पुल इस तरह बांधते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई देशभक्त होगा ही नहीं। पर क्यों कोई इनकी मेहनत से लेकर मेडल जीतने तक और इनके बाद की जिंदगी पर गौर नहीं करते? वैसे भारत में हुनर की कमी नहीं है पर रिश्वतखोरी और धर्म की घटिया राजनीति ने इन्हें अंधा बना दिया है, और इससे ज्यादा अंधभक्तों की भीड़ ने इस तरफ तवज्जो देने की जरा बराबर भी फिक्र नहीं किया। आज जीतने के बाद फोन कॉल वीडियो कॉल और कुछ रुपये दिए जा रहे हैं, क्या इन्हें हमेशा के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया जाएगा ताकि इन्हें अपने मेडल बेचने की नौबत ही ना आए? बजाय स्पोर्ट्स के फंड को काटने की, नेताओं की गैरकानूनी कमाई को भी सरकार अपने खिलाड़ियों पर खर्च करे ताकि किसी तरह की परेशानियों का दबाव इन पर ना रहे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले पेरिस ओलंपिक में 3 गुना मेडल यकीनन भारत जीत सकता है। भारत का अब तक का बेहतरीन मुजहरा रहा 7 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड मेडल रहा। 100 साल लगे आज भारत को गोल्ड मेडल लौटने पर, इनका जोरदार इस्तकबाल किया गया, आज वो भारत पहुंचे हैं। यह भी उतना ही जरूरी है कि कुछ लोग इसका क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं और इस क्रेडिट हासिल करने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे भी हुए हैं। वजीर आजम किसी भी मामले को इवेंट में तब्दील करने में पीछे नहीं रहते। वैसे इस जश्न यौम आजादी को प्लान कर सकते थे लेकिन कोविड को लेकर इसे इवेंट बनाने का शायद मौका ना मिल सके, लेकिन किसी तरह इसका क्रेडिट लेने का रास्ता मोदी बना ही लेते हैं। खैर, क्रेडिट लेना है ले लिया जाए, पर आगे कुछ खिलाड़ियों के लिए बेहतर करेंगे ऐसा उम्मीद भी हम कर सकते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।